मैं आपका मित्र आचार्य विनोद श्री माली जी आज आपको कुंडली में विराजमान ऋणों के बारे में संपूर्ण व्याख्यान करने जा रहा हूँ। पहले मैं अपने समस्त मित्र जनों को नमन करते हुए जय श्री राम बोलते हुए जय श्री कृष्णा जय श्री राधे राधे जय श्री महाकाल बोलते हुए अब आपसे इस विषय पर चर्चा करता हूँ। तो आप ध्यान पूर्वक सुने, चार प्रकार के ऋण होते हैं। पितृ ऋण सबसे भयानक असर देने वाला होता है। मनुष्य जन्म लेते हैं तो कर्म अनुसार उनकी मृत्यु तक कई तरह के ऋण, पाप और पुण्य उसका पीछा करते रहते हैं। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि तीन तरह के ऋणों को चुकता कर देने से मनुष्य को बहुत से पाप और संकटों से छुटकारा मिल जाता है। हालांकि जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते उनको भी जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर इसका भुगतान करना ही पड़ता है। आखिर ये ऋण कौन से हैं और कैसे उतारे जा सकते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, ये तीन प्रकार के ऋण होते हैं। पहला ऋण होता है देव ऋषि, दूसरा होता है ऋषिगण, तीसरा होता है पितृगण। कहीं कहीं पर ब्रह्मा जी के ऋण का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार ये चार ऋण हो जाते हैं। इस चार ऋणों को उतारना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होना चाहिए। यह जीवन और अगला जीवन सुधारना हो तो इन ऋणों को महत्व को समझना जरूरी है। मनुष्य पशुओं से इसलिए अलग है क्योंकि उसके पास नैतिकता, धर्म और विज्ञान की समझ है। जो व्यक्ति इनको नहीं मानता वे पशुपत है। क्यों चुकाना पड़ते हैं ये ऋण? तीन ऋण नहीं चुकता करने पर उत्पन्न होते हैं त्रिविध ताप, अर्थात सांसारिक दुख, देवी दुख और कर्मों के दुख। ऋणों को चुकता नहीं करने से उक्त प्रकार के दुखों का उत्पन्न होते ही रहते हैं और इससे व्यक्ति के जीवन में पिता, पत्नी या पुत्र में कोई एक सुख नहीं मिलता या तीनों से ही वह वंचित रह जाता है। यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा इन ऋणों से ग्रस्त है तो उसे पागल खाना, जेल खाना और दवा खाने में ही जीवन गुजारना पड़ता है। त्रिविध ताप क्या होता है? संसार दुख, अर्थात आपको कोई भी जीव, प्रकृति, मनुष्य या शारीरिक मानसिक रोग कष्ट देने लगते हैं। देवी दुख, अर्थात आपको ऊपरी शक्तियों द्वारा कष्ट मिलने लगता है। कर्मों का दुख, अर्थात आपके पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के बुरे कर्म मिलाकर आपका दुर्भाग्य बढ़ाने लगते हैं। इन सभी से मुक्ति के लिए ऋणों का चुकता करना जरूरी है। ऋणों का चुकता करने से शुरुआत ही संकटों से मुक्त होने की शुरुआत मानी गई है। अब मैं आपको ऋणों के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूँ। नंबर एक, देव ऋण। माना जाता है कि देव ऋण भगवान विष्णु का है। यह ऋण उत्तम चरित्र रखते हुए दान और यज्ञ करने से चुकता होता है। जो लोग धर्म का अपमान करते हैं या धर्म के बारे में भ्रम फैलाते हैं या वेदों के विरुद्ध कार्य करते हैं उनके ऊपर ये ऋण दुष्प्रभाव डालने वाला सिद्ध होता है। इसका उपाय भी जान लीजिए। प्रतिदिन सुबह और शाम संध्या वंदन करें और विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान या हनुमान जी में से किसी एक के मंत्र चालीसा का पाठ या स्त्रोत्र का जप करें। सिर पर चंदन का तिलक लगाएं, उत्तम और स्वास्थ्य भोजन करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें, धर्म के लिए दान करें, देवी देवताओं आदियों का सम्मान करें और उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करें। किसी भी प्रकार से ना धर्म का अपमान सहें और ना करने दें। हिंदू हैं तो हिंदू कर्म और स्वभाव में बने रहें। नंबर दूसरा ऋण, ऋषि ऋण। यह ऋण भगवान शंकर का है। वेद, उपनिषद और गीता पढ़कर उनके ज्ञान को सभी में बांटते से ही यह ऋण चुकता हो सकता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उससे भगवान शिव और ऋषिगण सदा अप्रसन्न ही रहते हैं। इससे व्यक्ति का जीवन घोर संकट में गिर जाता है या मृत्यु के बाद उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती। अब मैं आपको ऋषि ऋण के उपाय बता रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनना। खास उपाय
इस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति को प्रतिमाह गीता का पाठ करना चाहिए। स्वयंभू साधुओं से दूर रहकर गीता भवन में चल रहे सत्संग में जाते रहना चाहिए। सभी तरह की बुराइयों को समझ कर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे आचरण को अपनाना चाहिए। शरीर मन और घर को जितना हो सके साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कुछ विशेष दिनों में ब्रह्मचार का पालन करना चाहिए। सिर पर घी, केसर, चंदन का तिलक लगाना, पीपल वड़ और तुलसी में जल अर्पण करना, एकादशी, प्रदोष और चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। चतुर्मास के प्रथम श्रवण सोमवार को पूरे माह व्रत रखना चाहिए। नंबर 3, पितृऋण। पितृऋण के अंदर भी कुछ बहुत सारे ऋण होते हैं, मैं उसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। यह ऋण हमारे पूर्वजों का माना गया है। पितृऋण कई तरह का होता है, हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी और बेटे का। स्वजनी या आत्मा ऋण का अर्थ है कि जब जातक पूर्व जन्म में नास्तिक और धर्म विरोधी काम करता रहा हो तो अगले जन्म में उस पर स्व ऋण चढ़ता है। मातृ ऋण में कर्ज चढ़ता जाता है और घर की शांति भंग हो जाती है। बहन के ऋण से व्यापार, नौकरी कभी भी स्थायी नहीं रहती। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जाने इच्छा और जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। भाई के ऋण से हर तरह की सफलता मिलने के बाद अचानक सब कुछ तबाह हो जाता है। 28 से 36 वर्ष की आयु के बीच तमाम तरह की तकलीफ झेलना पड़ती है। इसके उपाय, इस ऋण को उतारने के 3 उपाय, देश में धर्म अनुसार कुल परंपरा का पालन करना, पितृ पक्ष में तर्पण श्राद्ध करना, संतान उत्पन्न करके उससे धार्मिक संस्कार डालना, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना, बुकरेटी पर शुद्ध जल का तिलक लगाना, 13-14 अमावस और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप देना, घर के वास्तु को ठीक करना और शरीर के सभी छिद्रों को अच्छी रीति से प्रतिदिन साफ सुथरा रखने से भी ये ऋण चुकता होता है। अब हम आपको चौथे ऋण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये ऋण ब्रह्मा जी से समर्पित है। ब्रह्म ऋण, पितृ ऋण के अलावा एक ब्रह्म ऋण भी होता है जिसे पितृ ऋण के अंतर्गत ही माना जा सकता है। ब्रह्मांड ऋण जो ऋण है जो हम पर ब्रह्मा जी का कर्ज है। ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों ने हमें बनाया तो किसी भी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत, जाति आदि से विभाजित करके नहीं बनाया, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद हमने उनके कुल को जाति में बांट दिया, अपने ही भाइयों से विभाजित कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि हमें युद्ध, हिंसा और अशांति को भोगना पड़ा और आज तक भोग रहे हैं। दूसरी ओर यह ऋण हमारे पूर्वजों, हमारे कुल देवता, हमारे धर्म, हमारे वंश आदि से जुड़ा है। इस ऋण को पृथ्वी का ऋण भी कहते हैं जो संतान द्वारा चुकाया जाता है। बहुत से लोग अपने धर्म, मातृभूमि या कुल को छोड़कर चले गए हैं। उनके पीछे ये दोष कई जन्मों तक पीछा करता रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म और कुल को छोड़कर गया है तो उसके कुल के अंत में होने तक यह चलता रहता है, क्योंकि ये ऋण ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों से जुड़ा हुआ है। अब मैं ब्रह्मा जी के ऋण का उपाय बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुने। ब्रह्मा ऋण से मुक्ति पाने के लिए हमें घृणा, छुआछूत, जातिवाद, प्रांतवाद इत्यादि की भावना से दूर रहकर ये समझना चाहिए कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मा की संतान है। उसके और मेरे पूर्वज एक ही है जिससे मैं घृणा करता हूँ। हिंदू है तो हिंदू ही बनकर रहे, ना तो आप स्वर्ण हैं और ना ही आप दलित हैं। ये तो अंग्रेजों और राजनीतिज्ञों ने आपको बांट दिया है। प्रत्येक भारतीय हिंदू है। ब्रह्मा के पुत्रों, मानस पुत्रों के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको उसका ज्ञान हो जाएगा कि हमारे पूर्वज कौन हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो में और उपायों में आपको कुछ भी कमियां दिखती हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर हमारा मार्गदर्शन करें।
मैं आप सभी बंधुओं से पुनः जय सिया राम बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।